हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन बॉक्स स्मार्ट एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जैस्मिन की हम प्रोपगेशन करेंगे बाय कटिंग्स। तो सबसे पहले जैस्मिन इज़ अ पेरिनियल प्लांट जो ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करता है, और जैस्मिन के को जो प्रोपगेट करेंगे हम वो करते हैं थ्रू कटिंग्स। अब हमें पता होना चाहिए कि जैस्मिन की अलग अलग स्पीशीज़ होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो जैस्मिन होता है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अरेबियन जैस्मिन जिसको बोलते हैं जैस्मिनम सिम्बैक, वैसे ही स्पैनिश जैस्मिन जिसको बोलते हैं हम जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम, वैसे ही येल्लो जैस्मिन, वाइट जैस्मिन होते हैं। येल्लो जैस्मिन को बोलते हैं जैस्मिनम ह्यूमाइल, वाइट जैस्मिन को बोलते हैं जैस्मिनम ऑफिसिनेल, और हमें पता है मुलाई भी होता है उसको बोलते हैं जैस्मिनम ऑरिक्युलेटम। तो अलग अलग स्पीशीज़ है और भी बहुत सारी है, और इन सब की जो हम प्रूनिंग करते हैं वो दिसंबर के टाइम होती है। तो जो जैस्मिन है लीडिंग, जो जैस्मिन ऑयल के लिए जो लीड करता है वर्ल्ड में, वो जैस्मिन वो है स्पैनिश जैस्मिन, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जैस्मिन को हम कटिंग्स के थ्रू अपने पॉट प्लांट्स में ही लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताऊंगी कि जैस्मिन को हम कैसे लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कट, होती है और सो गाइज दिस इज मीडिया विच आई हैव प्रिपेयर्ड, जिसमें हमने तीन चीज़ें मिक्स की थी, दैट इज़ सैंड, सॉइल और कंपोस्ट। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी है। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। अब हमारे पास है, हमें पता है, मैंने कहा था कि जो कटिंग्स होती है उसकी लेंथ आपने रखनी है अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर्स, और हम कटिंग्स लेंगे सेमी हार्डवुड कटिंग्स रखते हैं, सॉफ्टवुड कटिंग्स, तो हमने 15 सेंटीमीटर्स उसकी लेंथ रख देनी है। तो हम इसको कट कर देंगे और यहाँ से भी शार्प कट दे देंगे। ये कटिंग हमारी ये हो गई। एक और कटिंग दिखा लेते हैं। तो आप इसके लीव्स पूरे भी रिमूव कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़े से लीव्स रखने हैं तो आप लीव्स रख सकते हो और ऊपर से उनको थोड़ा हाफ कट दे दोगे। ये भी है हमारे पास, हमने लीव्स रिमूव कर दी। और किसी भी गार्डनर के पास ये स्केचर होना ज़रूरी होता है, इसे हम स्केचर बोलते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं तो स्केचर अपने पास हमेशा रखें। तो हमने ये कट दे दिया, इसे हमने 15 सेंटीमीटर्स की लेंथ रख दी स्टेम की, और जो ऊपर के लीव्स हैं उनको रिमूव कर दिया या फिर हाफ कट कर दिया अगर थोड़े से रिटेन करने हैं तो। और अब मेरे पास है रूटिंग हार्मोन। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम रूटिंग हार्मोन है वो वैसे हम शॉप से भी बाय कर सकते हैं एग्रीकल्चर किसी शॉप में, लेकिन अगर आपको घर पे ही रूटिंग हार्मोन चाहिए तो आप हनी का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हनी डाला है, तो हम इसके एंड पे हनी लगा देंगे, ये देखिए। और अब इस हनी को लगाने के बाद हम जो हमारा मीडिया था जिसमें हमने प्रिपेयर किया, तो इसमें हमने ड्रेन करने के लिए होल्स भी किए ताकि पानी एक जगह नहीं रुक जाए वरना रॉटिंग हो जाएगी। तो फिर अब हम इसमें थोड़ा सा होल कर देंगे, ताकि होल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो ये हमने रूटिंग हार्मोन हनी लगाया है, ये अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये पूरा हनी वहाँ से हट जाएगा, इसीलिए हम इसमें पहले से ही होल कर देते हैं। और अब हम इसको इस मीडिया में डाल देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसमें आप एक और कटिंग लगा सकते हो, और अगर आपको ये एक और कटिंग नहीं भी लगानी होगी तो भी आप एक लगा सकते हो एक में। और वैसे ट्राई करें कि जो आप बिल्कुल ही ग्रीन वाली है वो ना लें, फिर भी हम देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट आते हैं कि नहीं। वैसे ये ग्रो नहीं करती है, फिर भी आप
ट्राई कर सकते हो अगर सक्सेसफुल होती है तो। तो इसमें हमने दो डाल दी और तो फिर ये कटिंग्स लगाने के बाद हमने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया और ये हमारी कटिंग्स लग गई। वैसे ही हम दूसरे में भी कर देंगे, सेम रूटिंग हार्मोन लगाएंगे और इसमें एक होल कर दिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे इन कटिंग्स को भी लगा दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि वैसे हम एक में क्या करेंगे, एक में हम प्लास्टिक रैप कर देंगे और इसको, इसमें हमने वाटरिंग पहले ही कर दिया तो इसमें हम वाटर नहीं डालेंगे। तो एक को हमने यहाँ पे इसमें लगा देना है और इसको रख देंगे हम शेड में। तो ये वाला तो हमारा रेडी है और एक को हम बिना पॉलिथीन के लगाएंगे क्योंकि हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और अगर ये सक्सेसफुल रहे तो मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के बताऊंगी। फिलहाल तो मैंने पहले भी जहाँ से कटिंग्स ली है वो भी मेरी पिछले प्रीवियस ईयर मैंने उसे लगाया था तो वो लग गई थी। तो अब हम इसमें भी देखेंगे कि ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं। एक हमने पॉलीथीन रैप करके इसको अब इन दोनों को शेड में रख देंगे और इसमें एक में हम वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने वाटर पहले से ऐड किया है। इसमें भी इसमें वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना रॉटिंग हो सकती है और आपका ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें रूट्स तो है नहीं, इन कटिंग्स में अभी रूट्स नहीं हैं इसीलिए। तो आप इसको अब शेड में रख सकते हो, ये हमारी कटिंग्स होगी।